हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप गोसाई स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉट नेट इंस्टीट्यूट पे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में हम जानेंगे टॉप 5 बेस्ट टेक्नोलॉजीज टू लर्न इन फ्यूचर। जी हां दोस्तों, फ्यूचर में अगर आप किसी नई टेक्नोलॉजीज आईटी में आप जाना चाहते हैं या किसी में भी आप हैं, तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिसको आपको सीखना चाहिए जिससे कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो, तो आज की वीडियोज में हम यही सब जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों और जानिए वो टॉप 5 कौन सी टेक्नोलॉजीज है जिनको फ्यूचर में आपको जरूर सीखना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकॉन पे भी हिट कीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियोस में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टॉप 5 बेस्ट टेक्नोलॉजीज टू लर्न इन फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियोस में जानते हैं टॉप 5 बेस्ट टेक्नोलॉजीज टू लर्न इन फ्यूचर। जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज डे बाय डे चेंज हो रही हैं और फ्यूचर में कौन सी बेस्ट टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं जिन्हें अगर आप आज प्लान करें सीखना और आगे अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट करें इन टेक्नोलॉजीज के साथ में, तो वो कौन सी बेस्ट 5 टेक्नोलॉजी होंगी जिनको आपको ज़रूर सीखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियोज़ में जानते हैं उन टॉप 5 बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जिन्हें आपने ज़रूर सीखना चाहिए। नंबर 1 पे जो टेक्नोलॉजी दोस्तों हमने आपके लिए रखी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आज की टाइमिंग में या पिछले कुछ टाइमिंग से एआई को पॉपुलैरिटी मिल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, जिस तरीके से ये इन्वॉल्व हो रही है एक मशीन लैंग्वेज में, हम इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं और ईजिली जो हमारी थॉट है, जो हमारी सोच है, वो हम मशीन्स के ज़रिए कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा कंपनीज में इसका यूज किया जा रहा है, जैसे कि आपका गेमिंग प्रोसेस में, नेचुरल लैंग्वेजेस में, प्रोसेसिंग में, एक्सपर्ट सिस्टम्स में और विजन्स में या डॉक्टर्स में, पॉलिसीज में, स्पीच रिकॉग्निशन में, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन में इसका बहुत बेहतरीन यूज किया जा रहा है। और साथ साथ में अभी कुछ टाइमिंग से देखा जा रहा है कि जो हमारा एजुकेशन बोर्ड है वो भी स्कूल सिलेबस में भी इसको एक सब्जेक्ट के रूप में इन्वॉल्व करने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो काफ़ी पॉपुलर हो रही है और कमिंग फ्यूचर में अगर हम आज आप प्लान करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को सीखने के लिए तो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। बढ़ते हैं नंबर 2 पे दोस्तों, कि जो टेक्नोलॉजी आपको सीखनी चाहिए वो है नंबर 2 पे आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पॉपुलर हो रहा है, सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, क्लाउड्स पे अवेलेबल है, तो इस टेक्नोलॉजी को अगर आप बेहतर यूज करें, बेहतर तरीके से इसको सीखें, तो आगे फ्यूचर्स में ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है। जिस तरीके से हमारी नेटवर्किंग में, सॉफ्टवेयर्स में, एनालिटिक्स में जो है हमारी सारा जो हमारा डेटा स्टोरेज है वो पूरी तरीके से जो है वो क्लाउड्स के ऊपर ही डिपेंड्स होता जा रहा है और हम उस डेटा को अपना वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस हम कर पा रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी आगे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी और बहुत ज़्यादा फेमस होगी, जिससे कि इसमें इसको सीखने में हमें काफ़ी बेनिफिट्स आपको हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 3 टेक्नोलॉजी की तरफ, जो कि हमने आपके लिए रखी है नंबर 3 पे, ये है DevOps। जी हाँ, ये एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बल्कि इसे हम टेक्नोलॉजी ना कह के मेथोडोलॉजी कहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। जिस तरीके से ये इन्वॉल्व हो रही है हमारे ऑटोमेशन को, हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे वर्कफ्लो को, हमारी कंटिन्यूसली को मेजरिंग करने के लिए, हमारी एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस को चेकआउट करने के लिए DevOps जो है वो काफ़ी जो है वो काम कर रहा है। इसका जो डेवलपमेंट की इसका जो कोड है वो काफ़ी लाइट वेटेड है, काफ़ी अंडरस्टेबल है, जो कि ईजिली जो डेवलपर है वो उसको समझ पा रहा है। और प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट में, प्रोडक्ट की फास्ट पेस को या ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका बहुत बेहतर यूज DevOps का कमिंग टाइमिंग्स में होने वाला है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को DevOps जो है वो पीछे करने वाली है, इतना इस टेक्नोलॉजी के ऊपर पावर है। तो काफ़ी बेस्ट होगा अगर आप अभी से प्लान करें DevOps को सीखने के लिए, तो आप इस टेक्नोलॉजी के भी आप पे आगे अपने लिए काफ़ी बेस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पे जो हमने टेक्नोलॉजी आपके लिए रखी है जो फ्यूचर्स में आपको सीखनी चाहिए और जो कि हमारे लिए फ्यूचर्स में काफ़ी बेस्ट होगी, वो है बिग डेटा। जी हाँ दोस्तों, बिग डेटा एनालिटिक्स एक काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी बेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको हमें सीखना चाहिए। जिस तरीके से पूरा जो हमारा सिस्टम है आजकल का वो पूरा डेटाबेस के ही ऊपर कवर अप होता जा रहा है, डेटाबेस को हैंडल करना,
डेटाबेस को जो है सही तरीके से मैनेज करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस हो गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। और उसकी नई नई टेक्निक्स जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो ढूंढते रहते हैं, उसके ऊपर रिसर्च उनकी चलती रहती है, इसके ऊपर अच्छी डेवलपमेंट करने के लिए डेटा को किस तरीके से एक्सेस वर्ल्ड वाइड हम कर सकें। तो बिग डेटा वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर टूल आ रहा है, बाकी पॉपुलर टेक्नोलॉजीज बिग डेटा जो है वो आ रही है, जहाँ पे कि हम इसको एक अच्छे तरीके से फ्रेमवर्क, एक वेल नोन फ्रेमवर्क के रूप में, अच्छा बिग डेटा जो है हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसको बड़े आसानी से बिग डेटा सॉल्व कर सकता है। तो बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, कमिंग फ्यूचर्स में अगर हम इसे सीखें तो आगे फ्यूचर्स बिग डेटा का काफ़ी ब्राइट है। चलते हैं फ्रेंड्स नंबर 5 की तरफ, जो कि हमें जानना चाहिए हमारे लिए बेस्ट टेक्नोलॉजीज कौन सी हो सकती हैं फ्यूचर्स में। तो नंबर 5 पे जो हमने आपके लिए रखा है वो है दोस्तों RPA। जी हाँ दोस्तों, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन काफ़ी पॉपुलर हो रहा है फ्रेंड्स। जिस तरीके से पूरा सिस्टम्स हमारा आज की टाइमिंग में हर कंपनी चाहती है वो कि एम्प्लॉयमेंट प्रेशर्स को कम किया जाए, कम से कम एम्प्लॉय से ज़्यादा काम निकाला जाए, या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर्स का डेवलपमेंट कराया जाए जिससे कि हमें कम एम्प्लॉय अपने कंपनी में रखने पड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा काम है वो हमारा RPA कर ले, मीन्स रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए हम अपने कामों को कर लें। कुछ ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना होगा, एक बार की इन्वेस्टमेंट होगी और उसके बाद हमारा जो भी काम है वो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर करेगा। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजीज आने वाली है कमिंग ईयर्स में। जिस तरह से मैन पावर कटिंग हो रही है कंपनीज में, हर कंपनी चाहती है कि मैन पावर्स कम से कम किया जाए, सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेबिलिटी हो जाए, सॉफ्टवेयर्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, वहाँ पे ये RPO एक तरीके से बहुत ही तेज़ी से ग्रो अप कर रहा है कंपनीज़ के अंदर। और इस टेक्नोलॉजीज़ को अगर हम सीखें तो कमिंग में फ्यूचर्स में आप RPA के ज़रिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने लिए रख सकते हो, अच्छे करियर ऑप्शन आप इसमें देख सकते हो। तो ये थे दोस्तों आपके लिए टॉप 5 बेस्ट टेक्नोलॉजीज टू लर्न इन फ्यूचर में। अगर आप इनकी डिटेल्स और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट www.indianitexperts.com पे जाके इनकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि वो कौन सी बेस्ट टेक्नोलॉजी है। वैसे आपने इस वीडियो के जरिए आप जान ही लिया है, लेकिन अगर आप रिटर्न में जानना चाहते हैं, रिटर्न में आप पढ़ना चाहते हैं, टेक्स्ट पढ़ने का अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप जरूर हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जाइए, हमें वहां पे कमेंट जरूर कीजिए और जानिए इनके बारे में और डिटेल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।